तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम में नैनीताल की आप फोटो खींच सकते हैं और आपको अंदाजा लग जाएगा कि नैनीताल से कैसी कैसी गाड़ी। तो देखिए इस टाइम में आ चुका हूँ ऊपर रोडवे स्टेशन, ये हमारा तल्लीताल का और इधर तल्लीताल की मार्केट है। तो देखिए इस टाइम मैं तल्लीताल में हूँ और ये तल्लीताल का बोर्ड स्टैंड है जो आपका निकासी है, उसको छोड़ा जाएगा यहाँ से, पानी को छोड़ा जाएगा फिर। लेकिन अब तो देखिए इस टाइम मैं लाइब्रेरी के पास आ गया हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके काफ़ी खूबसूरत नैनीताल इन वादियों के बीच में पहाड़ों की काली की कौन काली है तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पहुँचूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग से मैं फिर आ गया हूँ आपका अपना है जिसान अली, और जो आज फॉलो करें नैनीताल के वेदर के उसमें टूरिज्म के उसमें। और आज आप देख रहे हो कि मैं नैनीताल के तल्लीताल में स्थित हूँ, बिल्कुल लेक के पास हूँ। तो यहाँ से मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि जो हमारा मेला कब से शुरू होने वाला है, मेले की कुछ जानकारी देने वाला हूँ। और कुछ लोग जो मेरे ब्लॉग देखते हैं शॉप वाले दुकान वाले तो वो आ सकते हैं नीलामी होने, अब शायद 4 या 5 को हो जाएगी, मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा। तो आप लोग आ सकते हैं नीलामी में शामिल हो सकते हैं। और आज का वेदर जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, देखिए क्योंकि धूप आ रही है यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से और टूरिस्ट ज़्यादा नहीं कम है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं आज के लोग मेरे ब्लॉग बने रहेंगे, कैसे करके मत देखने तो कुछ जानकारी छोड़ देंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम नैनीताल की हसीन वादियाँ। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं नैनीताल के रोडवे स्टेशन पहुँच गया हूँ और आज तो काफ़ी बस देखने को मिल रही है हल्द्वानी की। ये देखिए दिल्ली हल्द्वानी, हल्द्वानी नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल, ये नैनीताल हल्द्वानी आइए, उधर भवाली की है, इधर एक बस ये खड़ी है लेकिन सवारियाँ बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा है हमारा रोडवे स्टेशन, ये देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि इसका गाड़ी का क्या क्या समय है, यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है तो ये देख सकते हैं चार्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे ही पढ़ लीजिए, कभी भी आप सीज़न में आएंगे तो इन चार्ट के द्वारा आ सकते हैं। देखिए दिल्ली से देहरादून, टनकपुर, आगरा, तो ये हैं गाड़ियाँ। तो इस तरीके से चार्ट की आप फोटो खींच सकते हैं और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नैनीताल से कैसी कैसी गाड़ियाँ चलती हैं। तो इस टाइम मैं रोडवे स्टेशन के पास हूँ और यहाँ पे ना सवारियाँ बिल्कुल नहीं है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बस खड़ी ही है। और हल्द्वानी आज तो बहुत बस है, मतलब बस मिलने में ऑफ सीजन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अभी जो है 3-4 दिन के बाद जब मेला चढ़ेगा तो उसमें काफ़ी फिर क्राउड होगा, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे बस, तो देखिए इस टाइम मैं आ चुका हूँ ऊपर रोडवे स्टेशन, ये हमारा तल्लीताल का न्यू रोडवे स्टेशन जो कुमाऊँनी कल्चर में बन चुका है। ये नीचे खड़ी हो रही है जैसे मैंने अभी आपको दिखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इस तरीके से नज़ारा। और अभी मैं गया था हनुमानगढ़ी, वहाँ भी शूट करना है लेकिन वहाँ कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि कोहरा किस तरीके से आ रहा, देखिए कोहरा बहुत लगा है। तो यहाँ से है पंतनगर 68 किलोमीटर हवाई अड्डा, काठगोदाम है रेलवे स्टेशन यहाँ से 35 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी यहाँ से 3 किलोमीटर है, और यहाँ से जो इधर है कैची धाम यहाँ से आपको पड़ेगा 22 किलोमीटर, भीमताल यहाँ से वो भी 22 किलोमीटर पड़ेगा, और भवाली यहाँ से पड़ेगा 11 किलोमीटर। तो इस तरीके से नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर्यटक देख सकते हैं आप लोग कि पर्यटक किस तरीके से खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पहले आई लव नैनीताल हुआ करता था, सैल्यू पॉइंट वो हट गया है, बट अब यहाँ से आप लेक के नज़ारे देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि लेक का पानी का लेवल कितना है बाइकों से फंस फंसाते हुए, और पानी का लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। कभी मैं इसके अंदर गया था पूरा यहाँ तक, लेकिन बट और यहाँ पर फिर देख सकते हैं अब पानी का लेवल अच्छा है और पर्यटक भी थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये है हमारी नैनीताल की शान, नैनीताल के लेक देख रहे हैं आप लोग, और कोहरा देखिए किस तरीके से आ रहा है, अभी पूरा टूट रहा है देखिए इधर, तो इधर पूरा बनेगा ये, और इस सामने बिशप स्कूल है। तो ये हमारा तल्लीताल और इधर तल्लीताल की मार्केट है। कभी भी आप नैनीताल आइए सीज़न में आइए, मैं तो कह रहा हूँ अब मेला आने वाला तो इस मेले में ज़रूर आइएगा, और काफ़ी अच्छा मेला होता है नैनीताल का। और आप लोग आना 11 या 12 को, तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नज़ारे हैं ये। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं इस टाइम मैं पहुँचाऊँगा हनुमानगढ़ी, और ये है हनुमानगढ़ी का गार्डन। तो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं हनुमानगढ़ी में, तो यहाँ के लोकल के लोग भी आते थे इस गार्डन में बैठते हैं, बट अभी घास बड़ी बड़ी हो रही है थोड़ी, तो बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर जो एक घर है ना, ये देखना काफ़ी यूनिक है, और जो उसके दरवाजे और खिड़कियाँ हैं तो एक कुमाऊँनी कल्चर में है ये। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं फ़ोटो खींचते हैं, और
इसको पूछते हैं कि कहाँ पे क्या कौन कहाँ पे घर है। तो देखिए इस टाइम मैं तल्ली ताल में हूँ और ये तल्ली ताल का बोर्ड स्टैंड है आपका, जैसे आपको मल्ली ताल में मिलता है वैसे तल्ली ताल में भी है। कुछ इस तरीके से पर्यटक कम नज़र आ रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से बोटिंग होती है। यहाँ भी चप्पू वाली बोटिंग होती है लेकिन सारी बोट्स लगी हुई हैं, बहुत कम बोट्स चल रही हैं। और मैं आपको बता दूँ पानी का लेवल हमारा काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। ये देखिए, कभी आप यहाँ जाया करते थे तो यहाँ फोटो खींचते थे, मैं भी जाता था, मैं तो इसके अंदर तक गया हूँ पूरा, लेकिन आप बट देख सकते हैं पानी का लेवल अच्छा है, यानी पानी छोड़ा नहीं गया अभी तो इसमें काई जमना शुरू हो गई है। देखिए और पानी इसके ऊपर तक आ गया है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो शायद पानी की जो निकासी है उसको छोड़ा जाएगा, यहाँ से पानी को छोड़ा जाएगा फिर। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नैनीताल का वेदर है, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है नैनीताल का। और नैना पिक ये सामने चोटी है जो नैना पिक की तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से हल्का हल्का फॉग कोहरा नज़र आ रहा है। यहाँ से आप बोट से देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितनी बोट्स चल रही हैं। और इधर देख सकते हैं आप लोग कैसी ये बोटिंग करने जा रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, और गाड़ियाँ जो आमागमन हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, स्कूटी वाले चल रहे हैं और जाम की स्थिति भी बिल्कुल हो रही है यहाँ पर आज। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो व्यू है तल्ली ताल से कुछ अलग व्यू देखने को मिलता है, मल्ली ताल से कुछ अलग व्यू देखने को मिलता है, ऊंचाई से जाते तो लेक का आकार कुछ अलग देखने को मिलता है। तो जगह जगह खूबसूरती आपको अलग अलग नैनीताल की देखने को मिलती है। तो आप लोग फटाफट से नैनीताल आइए और इन वादियों में घूमिए, इन फिजाओं में घूमिए। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ के जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि नैनीताल में लेक भी है, तो यहाँ के आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि बोटिंग करते हुए आपको लोग नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से नैनीताल की लेक और वेदर। तो देखिए इस टाइम मैं हूँ माल रोड के पास आ गया हूँ और मैं हूँ लाइब्रेरी यानी अदमताल के पास। तो ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, और लाइब्रेरी का जो समय है वो ये है, ब्रिटिश टाइम से ये लाइब्रेरी है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो देखिए इस टाइम मैं लाइब्रेरी के पास आ गया हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को पड़ता है। दो सेल्फी पॉइंट है देखिए सामने, तो कुछ इस तरीके से एक ये है और एक ये है सेल्फी पॉइंट, और यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन देखने को मिल रहा है, हरा। और यहाँ बत्तखों का घर है, पता नहीं बत्तख किधर है, आज बंद है शायद। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं, और देखिए कोहरा किस तरीके से उड़ते हुए नज़र आ रहा है ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी खूबसूरत नैनीताल इन वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बसी हुई है झील, तो कुछ अपने आप में अलग ही बयां करती है और लोगों को दूर दराज से खींचे। और मतलब इंडिया से ही नहीं लोग नहीं आते हैं, वर्ल्ड से लोग आते हैं, और फॉरेन अमेरिका, कनाडा, इस बहुत बहुत मतलब जगहों से आते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि यह है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। और देखिए कितना घने बादल आ रहे हैं, और कुछ पता नहीं की बारिश कब हो जाए। काली की? कौन काली है? तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पहुंचे हम बोट हाउस क्लब के पास और बोट स्टैंड के पास। तो यह है मल्लीताल, मल्लीताल पहुंच गया हूं मैं। देखिए तो यहां पे आपको बोट्स कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होंगी आज, और आज का जो वेदर है काफ़ी अच्छा है नैनीताल में, लेकिन आधे से ज़्यादा बोट्स तो यहीं खड़ी हुई नज़र आ रही है मुझे, और पर्यटक टूरिस्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे देखिए थोड़े बहुत, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से लेक का और व्यू का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप लोग, आपको पर्यटक भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये है कुछ लेक का नज़ारा, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये है मल्लीताल का बोट स्टैंड, यहाँ देख सकते हैं पानी का लेवल, चेक करिए पानी का लेवल कितना है। अब बोट्स हमारी सारी लगी हुई है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, और कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बादल देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं, तो मैं इस टाइम हूँ फुटपाथ पंत पार्क के पास, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हल्की फुल्की भीड़। और ये ड्रेस को कोट पहन कर लोग फोटो वोटो खिंचा सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारे। तो मैं हूँ पंत पार्क, और पंत पार्क में देख सकते हैं आपकी मतलब उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अभी क्राउड थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, और फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुली है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारे। और यहाँ देखिए बिल्कुल सुनसान, पर्यटक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो यह है शाम को यहाँ पर काफ़ी क्राउड हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, देख सकते हैं हम लोग पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है सब ये। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया, आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल किसान नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।